सभी किसान भाइयों को जानकारी होगी कि अगर वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो ऐसी स्थिति में उनको अपना यहाँ पर केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करा के रखना है। अगर वो अपना केवाईसी प्रोसेस नहीं करवाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो इस योजना का आगे लाभ नहीं ले पाएंगे, ना ही उनकी जो आने वाली किस्त है उसका लाभ उनको दिया जाएगा। बट यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि अगर अपना केवाईसी प्रोसेस आपने कंप्लीट करवा लिया है, चाहे वो आपने ओटीपी के माध्यम से करवाया हो या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से कराया है, अगर आपने अपना केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया है तो भी यहाँ पर हो सकता है कि आपको आने वाली जो किस्त है वो ना दी जाए। वो क्यों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि आप केवाईसी कर रहे हैं, अपना आधार कार्ड अपना पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हो गया है। अभी तक आपका जो पेमेंट, जो किस्त आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होती थी, वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो पेमेंट आपको आने वाली जो किस्त है वो आपको आधार कार्ड के माध्यम से मिलेगी। अभी तक आपने जो अकाउंट यहाँ पर लिंक किया हुआ था उस अकाउंट में आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा था, इसकी जो किस्त थी वो आपको किस्त डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही थी। बट यहाँ पर अब बदलाव होने के कारण आपने जैसे ही यहाँ पर आधार कार्ड लिंक किया है तो अब इसका जो पेमेंट है वो आपके आधार कार्ड से मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आधार कार्ड से किस तरह पेमेंट मिलेगा, तो सबसे पहले चलिए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं और मैं आपको पहले इसका स्टेटस चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है और किस तरीके से आपका जो पेमेंट है वो आने वाला। चलिए हम यहाँ पर इसका मोबाइल पे एक बार इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। आप यही काम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पर इसका स्टेटस चेक करना है अगर आपने अपना केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो। अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी भी कंप्लीट नहीं करवाया तो पहले अपना आप केवाईसी करवाएं, उसके बाद ही यहाँ पर आपको ये वीडियो देखना है या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट पर सबसे पहले आपको आ जाना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बेनिफिशियरी स्टेटस, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका आधार कार्ड नंबर या फिर आपका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, जो अकाउंट नंबर आपने दिया था तो वो चीज़ यहाँ पर आप डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, तो यहाँ पर इस तरह से अपना आधार कार्ड नंबर गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है पेमेंट मोड, सबसे लास्ट में आपको देखिए पेमेंट मोड दिया हुआ है जो यहाँ पर आधार कार्ड लिखा हुआ है, मतलब आपको जो पेमेंट यहाँ पर रिसीव होने वाली है वो आधार कार्ड से रिसीव होने वाली है। तो आधार कार्ड से पेमेंट कैसे रिसीव होगी वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर का जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर NA लिखा हुआ है यानी कि नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पर आपका जो अकाउंट था वो यहाँ पर नहीं डला हुआ है। तो अब यहाँ पर आपके अकाउंट में तो आपका जो किस्त है, जो आपकी आने वाली किस्त है वो तो आ नहीं सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आधार कार्ड से किस तरह आपका पेमेंट आएगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों आधार कार्ड से पेमेंट आपका तभी आता है जब आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। अब बैंक का आपका आधार कार्ड से लिंक होने से मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी अकाउंट खुलवाया है वो आपने आधार कार्ड से ही खुलवाया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से ओपन हुआ है तो आधार कार्ड से लिंक है। हो सकता है वो आधार कार्ड से लिंक हो बट उसके बावजूद भी आपका जो पेमेंट है वो उस बैंक में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आजकल जैसे कि आपको पता है कि हर व्यक्ति के दो या तीन या फिर उससे भी ज्यादा अकाउंट होते हैं। जैसे मैं अपनी यहाँ पर बात कर लूँ तो मेरे यहाँ पर 4 से 5 अकाउंट है, बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आधार कार्ड मेरा किसी बैंक में लिंक ना हो, सभी बैंक में मेरा आधार कार्ड लिंक है, सभी बैंक में मेरा पैन कार्ड लिंक है। बट यहाँ पर जो पेमेंट आने वाला है, जैसे कि यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, यहाँ पर हम स्कॉलरशिप की बात कर ले और पीएम किसान की जो किस्त आती है उसकी यहाँ पर हम बात कर लें, तो ये जो किस्त डायरेक्टली आधार कार्ड से आ रही है। अब यहाँ पर ये किस बैंक में जाएगी इस बात का जो डिसीजन होता है वो हमें लेना होता है कि हमने अपना कौन सा बैंक एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड किया हुआ है। अब एनपीसीआई क्या बोला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, ये जो सिस्टम है इसके माध्यम से कोई भी आप सब्सिडी लेते हैं, किसी भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, किसी भी सरकारी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से उसका जो लाभ होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो डीबीटी अकाउंट होता है वो कैसे मतलब क्रिएट होता है, वो होता है आपका एनपीसीआई से, मतलब अगर आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक है तभी आपका जो वो अकाउंट है वो डीबीटी अकाउंट होगा और उस अकाउंट में आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका बेनिफिट होगा, जो आपका लाभ होगा वो आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होने के साथ साथ एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड भी हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आने वाली जो किस्त है वो आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाली जो किस्त है वो आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड ही नहीं है तो आपको उसका फायदा किस तरह मिलेगा, आप खुद सोचिए।
जब एनपीसीआई के पास आपके अकाउंट का कोई डेटा ही नहीं है, आपके आधार कार्ड में जो अकाउंट लिंक है उसका डेटा उसके पास नहीं है, तो डीबीटी के माध्यम से आपको किस तरह प्रॉफिट मिलेगा? तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका आधार कार्ड से जो बैंक लिंक है वो एनपीसीआई पर अपलोड है, एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड है या नहीं है। वो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का जो लिंक है आपको उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लेकर मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर वो वीडियो वॉच करें। और सबसे पहले आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर ये देखें कि एनपीसीआई के सर्वर पर आपका कौन सा वाला अकाउंट लिंक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है, हो सकता है आपका एक अकाउंट ऐसा हो जिसमें आपका माइनस पर बैलेंस हो, एक अकाउंट आपका हो सकता है ऐसा हो जो सीज हो, जो ब्लॉक पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि उससे आप ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास स्टेट बैंक का अकाउंट है, पंजाब बैंक का अकाउंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट है, बट आप ये चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो स्टेट बैंक में आए, तो वो कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब आपका स्टेट बैंक का जो अकाउंट होगा वो एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड होगा। तो सबसे पहले आप जाकर चेक करें कि एनपीसीआई के सर्वर पर आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ ये स्कॉलरशिप पर भी लागू होती है, चाहे वो गैस कनेक्शन का सब्सिडी हो या फिर पीएम किसान की किस्त हो, ये सभी चीजों पर लागू होती है। तो सबसे पहले आप जाकर चेक करें कि एनपीसीआई पर आपका कौन सा अकाउंट लिंक है, और अगर आपका वहां पर गलत अकाउंट लिंक है, गलत अकाउंट आपका वहां पर चढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसको आप जाकर चेंज करवाएं। अब उसको आप किस तरह से एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को, उस पर मैं अभी आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो उसको आप देख के आसानी से एनपीसीआई के सर्वर पर अपने बैंक अकाउंट को लिंक या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप भी अपना स्टेटस जाकर चेक करें, जैसे मैंने आपको स्टेटस चेक करके बताया, क्योंकि अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आपकी जो किस्त है वो नहीं आएगी, और ये बहुत ही बड़ी जानकारी है, बहुत ही बड़ा बदलाव है जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, और आप ई केवाईसी करवा के सोच रहे होंगे कि आपकी जो आने वाली किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज से आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस चीज की जानकारी आप जाकर चेक करें। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप एनपीसीआई के सर्वर पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करवाएं। अब एनपीसीआई क्या है, डीबीटी क्या है, इस पर भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आप इसका स्टेटस जाके चेक करें, और अपना अकाउंट अगर लिंक नहीं तो आप लिंक करें, इससे आपको आने वाली किस्त का फायदा मिल सके। तो दोस्तों ये था बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी जानकारी जो मुझे लगा कि आप लोगों तक मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आने वाली किस्त का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, इसको लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके मुझे आप इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।